हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आपको हम अभी जो बस के अंदर सवारियां हैं वो दिखाएंगे कि दो बसों की सवारियां किस तरह से पहाड़ों में ले जाती है। इस तरह से देख सकते हैं आप लोग। ये देख सकते हैं आप, तो बस पूरी तरह से भरी हुई है। तो मैं आपको बाहर का व्यू भी दिखाऊंगा। तो ये इस तरह से बाहर का व्यू है, ये देख सकते हैं आप। पूरी तरह से बस भर गई है। तो ये देख सकते हैं आप, पर इसे दूसरी बस आ रही है। तो यहाँ पे बहुत कम जगह है। सामने वाला व्यू दिखाऊंगा मैं आपको यहाँ से। तो मैं आगे की ब्लॉगिंग आप दिखाते रहूँगा। तो अभी हम हिमाचल में हैं, तो आज हम उत्तराखंड में घूमने जा रहे हैं, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो ये रहा पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा। ये देख सकते हैं आप यहाँ का ब्यूटीफुल व्यू। जो ये रोड है, ये सीधी पोंटा चंडीगढ़ जाने वाली है, मुख्य मार्ग है। तो अभी हम उत्तराखंड में पहुंच चुके हैं। ये हमारी बस है यहाँ पे। तो ये उत्तराखंड का बहुत ही सुंदर स्टेशन है।
अटाल। तो आप यहाँ का व्यू देख ही रहे हैं, तो जितना मेरे से हो सकेगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। इस साइड का नज़ारा भी देख ही रहे हैं आप, पाली साइड उस साइड पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। हाँ, ये यहाँ बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का। वो सामने जो आप चोटी देख रहे हैं वो हिमाचल का एरिया है, तो ये उत्तराखंड का है जहाँ पे भी मैं खड़ा हूँ। ये उत्तराखंड का एरिया है। तो आगे कभी मैं आपको ज़रूर दिखाते रहूँगा। आप मेरी वीडियो पे बने रहे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस, चैनल को करें सब्सक्राइब। ये रहा यहाँ का खूबसूरत व्यू, ये देख सकते हैं आप। एक छोटा सा लड़का गाड़ी चला रहा है, तो मैं यहाँ से काफ़ी आगे निकल चुका हूँ आपको ये दिखाने के लिए कि पहाड़ों में इस तरह का खूबसूरत नज़ारा होता है। तो आप लोग भी ज़रूर पहाड़ों में घूमने आए। ये सामने बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और यहाँ प्लेन है जहाँ मैं हूँ। ये वो मार्केट है जो उत्तराखंड की है, तो मैं इसी मार्केट की ओर आगे जा रहा हूँ। तो मैं आगे का व्यू आपको दिखाऊंगा। यहाँ भी आम के पेड़ होते हैं, ये आप ऊपर देख रहे हैं जो ये आम का और चढ़ है यहाँ पे लगा हुआ। तो यहाँ भी पहाड़ों में भी आम होते हैं, पर यहाँ गर्मी होती है इसलिए यहाँ होते हैं। ज़्यादा हाइट में तो नहीं होएंगे, लेकिन इस जगह पे आम का बगीचा है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे गर्मा गर्म रोटी बन रही है। ये देखो, ये अंकल है यहाँ। ये देख सकते हैं आप, चूल्हे में गर्मा गर्म रोटी बन रही है। अटाल जीवन ढाबा। ये देखो, ये अंकल बोलेंगे। कौन सा ढाबा अंकल आपके? जीवन ढाबा। जीवन ढाबा अटाल में है, तो जब भी आए आप यहाँ चूल्हे की गर्मा। ये लोकेशन ये है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, सब्जी की दुकानें हैं, फ्रूट की दुकानें हैं। तो यहाँ पे सामने ही है, तो यहाँ आपको गर्मा गर्म चूल्हे की रोटियाँ मिलेगी। तो ये ढाबा है, ये अंकल है ढाबे वाले, देख सकते हैं। बाकी आपको खाने के बारे में अंकल बताएंगे कितने की कौन सी थाली रहती है। आप लोग मच्छी फुल खाना खाओगे मच्छी के साथ तो 120 रुपया है, और अंदर मटन अंदर की पोटी वो खाओ फुल है 150 रुपये, और आप लोग सादा खाना खाओगे दही सहित है 80 रुपये, और बिना दही के खाओगे तो आपका 70 रुपये खाना है सादा। यही है तो पराठा दही सहित 40 है जी, बिना दही 30 रुपये पराठा। अच्छा, ये है हमारे यहाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया है। और यहाँ का जो खाना है वो एकदम से बढ़िया है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें यहाँ आके। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा मैं, क्योंकि अब समय हो रहा है, वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है। तो मैं जो आगे का ब्लॉग है वो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तो आप मेरी वीडियो को देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। अंत में लेते हैं आपसे अनुमति। नमस्कार।